नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। यूक्रेन पर किए गए हमले के चलते रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत अमेरिका ने रूस के 469 अरब डॉलर के करेंसी रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज कर दिया है। रूस अमेरिकी डॉलर यानी यूएस डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता, लिहाजा वह अपनी करेंसी रूबल में पेमेंट समेत अन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस पर अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद दुनिया में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को लेकर चर्चा और बहस दोनों शुरू हो गई है। करेंसीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण डॉलर है। कहा जा रहा है कि अब अमेरिकी डॉलर एक ऐसा हथियार है जिसे जरूरत पड़ने पर अमेरिका कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको बताते चलें कि जहां तक केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार की बात है, तो कई देशों ने इसमें डॉलर की हिस्सेदारी को या तो पिछले कुछ सालों में कम किया है या फिर कम कर रहे हैं। अब रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने पर राष्ट्र गंभीर है। जहां तक भारत की बात है, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हमारा रिजर्व कई करेंसीज में बटा हुआ है, बेशक उसमें अधिकांश हिस्सेदारी डॉलर की है। 6 महीने पहले हमने फैसला किया था कि रिजर्व को अन्य करेंसीज में डाइवर्सिफाई किया जाए। और आइए अब जानते हैं, क्या अभी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना संभव है। आपको बताते चलें कि कहा जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर के दबदबे और इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने को देखते हुए दुनिया के विभिन्न देश ट्रांजेक्शन के ऐसे नए मैकेनिज्म तलाश कर सकते हैं जो अमेरिकी डॉलर को बाईपास करें। ऐसी चर्चा है कि चीनी युआन एक संभावित रिप्लेसमेंट हो सकता है। सऊदी अरब चीन के साथ बातचीत कर रहा है कि वह तेल बिक्री के बदले युआन में पेमेंट ले सके। ये बदलाव और करेंसीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की राह ने डॉलर के वर्चस्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना संभव नहीं है। आपको बता दें कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि अमेरिका के हालिया एक्शन के बावजूद अमेरिकी डॉलर का दबदबा कायम रहेगा। युआन को करेंसी ग्रुपिंग का केंद्र बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। यह स्वतंत्र रूप से कन्वर्टेबल नहीं है, इसकी वैल्यू बाजार निर्धारित नहीं है, साथ ही इस पर मैनिपुलेशन के चार्जेस हैं। यही मामला रूस के रूबल के साथ भी है। छोटे करेंसी ग्रुप जल्द क्रिएट होंगे, ऐसी संभावना नजर आती है। राजन का यह भी कहना है कि करेंसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना रिजर्व रखने वाले केंद्रीय बैंकों को अधिक करेंसी डाइवर्सिटी की ओर ले जा सकता है। और आइए अब जानते हैं गैर परंपरागत करेंसीज के उदय के बारे में। आपको बता दें कि IMF की एक रिपोर्ट कहती है कि केंद्रीय बैंकों के रिजर्व में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी घटी है। वहीं दूसरी ओर गैर परंपरागत रिजर्व करेंसीज जैसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और चीनी युआन की हिस्सेदारी अन्य परंपरागत रिजर्व करेंसीज जैसे यूरो, पाउंड और येन के मुकाबले बढ़ी है। यह शिफ्ट व्यापक रूप से है। 46 एक्टिव डाइवर्सिफायर्स ऐसे हैं जिनके रिजर्व का कम से कम 5% अब गैर परंपरागत करेंसीज में है। गैर परंपरागत रिजर्व करेंसीज से अर्थ उन देशों की मुद्राओं से है जिनका कोई इकोनॉमिक स्केल और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम नहीं है, जो परंपरागत रिजर्व करेंसी इंश्योर को प्रतिष्ठित बनाए। और आइए जानते हैं डिजिटल करेंसीज के उदय और वर्चस्व के बारे में। आपको बता दें कि सक्षम और अच्छी फंक्शनिंग वाले मार्केट्स के लिए अमेरिकी डॉलर का दबदबा लंबे वक्त से है। इसकी कई वजह है, जैसे मजबूत लोकतंत्र, सेफ हैवन स्टेटस, आसान वैश्विक स्वीकार्यता, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ग्लोबल पेमेंट्स, ट्रेड व फाइनेंस में इस्तेमाल की आसानी। चीन के आर्थिक रूप से कामयाब होने के बावजूद इसकी करेंसी को डॉलर जैसा विश्वास कायम करने में सालों लग जाएंगे। यह फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है और COVID-19 महामारी के बाद चीन को लेकर काफी अविश्वास है। आपको बताते चलें कि भले ही डॉलर के वर्चस्व को अभी चुनौती न दी जा सके, लेकिन हाल की कुछ स्टडीज डिजिटल पेमेंट्स के विकास को दर्शाती है। साथ ही यह भी बताती है कि सेगमेंट में चीन का अग्रणी होना आगे चलकर अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल युआन ट्रेडर्स को ट्रांजैक्शन रीरूट करने के एक आसान तरीके की पेशकश कर सकता है और डॉलर बेस्ड सिस्टम को बाईपास कर सकता है। ये भी संभावना है कि चीन की टेक्नोलॉजीज को इंटरनेशनली
अपना लिया जाए और यह पूरी दुनिया में डिजिटल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के नियम बता रहा हो। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।